और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कदीम होने के बावजूद रोजे अव्वल की तरह अपनी मकबूलियत बरकरार रखती हैं। उन्हीं में से एक है चिन्योटी फर्नीचर। इसकी खसूसियात जानते हैं कराची से नाजिश अयाज की रिपोर्ट में। खूबसूरत दीदा जेब नकूश से मुजयन ये है चिन्योटी फर्नीचर। चिन्योटी फर्नीचर पे बारीक और नफीस काम करने वाले कारीगर बरसों की रियाजत के बाद इस काबिल होते हैं। चिन्योटी फर्नीचर को ज्यादातर शीशम की लकड़ी से बनाया जाता है। वुड, इसकी जो वुड होती है ये कहलाती है शीशम वुड, रोज वुड कहते हैं इसको इंग्लिश में। इसमें एक खासियत ये है, ये गर्मी में गर्माइश हो जाती है, सर्दी में ठंड हो जाती है। चिन्योटी फर्नीचर के कारोबार से वाबस्ता शाहरुख को शिकायत है कि दीगर ममालिक के निस्बत अपने मुल्क में इसे खातर ख्वाह पजीराई हासिल नहीं होती। असल वैल्यू बाहर मुल्क में, आप आउट ऑफ कंट्री में देखें, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, सिडनी, लंदन, इन जगहों पर आप इसकी देखें, जो अरबी हैं, जो शेख हैं, जो गोरे, जो अंग्रेज हैं, वो इनको कितना लाइक करते हैं, वो परेशान हो जाते हैं कि यार ये काम हुआ कैसे। फर्नीचर के कारोबार से मुंसलिक फैज अहमद के मुताबिक चिन्योटी फर्नीचर की पायदारी दीगर फर्नीचर की निस्बत बहुत ज्यादा है। ये फर्नीचर दूसरे मुकाबले में सस्ता है। आप अगर दूसरा फर्नीचर लें, अगर लसानी और दूसरा फाइबर का, तो वो इससे महंगा बिक रहा है। चिन्योटी फर्नीचर से वाबस्ता अफराद का कहना है कि चिन्योटी फर्नीचर दीगर मॉडर्न फर्नीचर के मुकाबले में आम आदमी की पहुँच में है। चिन्योटी फर्नीचर के कारोबार से वाबस्ता अफराद का कहना है कि ये फर्नीचर ना सिर्फ आम आवाम की पहुंच में है, बल्कि चिन्योटी फर्नीचर दूसरे फर्नीचर्स की बनिस्बत ज़्यादा पायदार भी है। कैमरामैन फरहान अनीफ के साथ नाज़िश अयाज़, 92 न्यूज़, कराची।